हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज? नई वीडियो के रूबरू करा दूं, कराना बहुत ज़रूरी है कि कब से आपकी काउंसलिंग होगी, क्या होगी, कैसे होगी, सब कुछ बताऊंगा और क्यों, इसका कारण क्या है जो है वो सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका क्यों रीज़न है पहले इसको समझ लेते हैं, क्यों या फिर जो काउंसलिंग की खबर प्रमाण मिल चुके हैं, बता कि मुस्लिम ने अपने बैन वर्ष कर दिया, आखिर क्यों काउंसलिंग प्रक्रिया होने में देरी हो रही है। दरअसल गुरदेव सिंह ने 3 राज्यों विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक अंतिम वर्ष का परिणाम जो है चालू नहीं किया गया, इसी वजह से जो है काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो उसमें जो है चालू नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट जो अपडेट थे, रिजल्ट अभी पूरे नहीं हो पाने की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत से लोगों का भी फाइनली का जो रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है और आ भी रहा है तो इनकम्प्लीट है या कोई इस वजह से, तो इन सब की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो दूसरी देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय जो है 23 के काउंसिल प्रक्रिया है, तो अब राज्य विश्वविद्यालय से भी अपडेट सामने आ रही है कि बताते हैं जिन राज्यों में अंतिम वर्ष का परिणाम जारी नहीं किया गया उन्हें अंतिम वर्ष परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। हल्के भी पूरी तरीके से अंतिम वर्ष परिणाम जारी नहीं हुए हैं, अभी कुछ राज्यों में विश्वविद्यालय परिणाम जल्दी घोषित कर देंगे। बता दें कि अंतिम वर्ष तक प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी होने के लिए यूनिवर्सिटी को ये सारी चीज़ें, यानी यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिया गया है। और उसके बाद ये सितंबर में कराने की पूरी तैयारी है। अब इसका सितंबर का क्या क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी नहीं, लेकिन ये है कि जो खबरें आ रही हैं कि उसका जो ये होना है, ठीक है, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, इसकी अपडेट जो है वो जल्द से, क्योंकि मेन कारण ये है कि आपका जो भी क्या नाम है आपका अभी रिजल्ट जो है वो प्रॉपर ना होने की वजह से जो आपका जो है जारी नहीं किया जा चुका है। बस थोड़ा वेट कर ले, अब जो है जब ना तब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप काउंसलिंग करके आप बीए में एडमिशन ले रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा ताकि आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर ले। मिलता हूँ, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।